सीए के ऊपर आपने एक्शन शुरू कर दिया, जो डबल इंजन की मैंने बात की कि आपकी आगे भी कई चीजें हैं जिसके ऊपर नजरें टिकी हुई है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर, वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर। जैसा आप इस वक्त लोकसभा में माहौल देख रहे हैं और बाकी की सारी बीजेपी की स्टेट्स हैं, मध्य प्रदेश भी जिसमें शामिल होता है, क्या आपको लगता है कि किसी तरीके से आपका जो विजन है मध्य प्रदेश का, उसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई प्रश्न चिन्ह आपको नजर आ रहा है मौजूदा स्थिति को देखकर, या आपको लग रहा है कि नहीं जो आप चाह रहे हैं वो होएगा मध्य प्रदेश? जो चाह रहा हो नहीं, मध्य प्रदेश की जनता जो चाहेगी होगी। सरकार जनता की मनोदशा को समझ के चले तो सरकार, अन्यथा तानाशाही है। हमको तानाशाही थोड़ी लाना है। सरकार जनता के हितों की रक्षा करते करते जनता की मनोदशा को विकास के परक एजेंडे के साथ खड़ी करके चले, यही भाजपा का सार है। भाजपा का कोई अगर एक शब्द में भाजपा के लक्ष्य को कोई पूछे तो मैं जरूर बताना चाहूंगा, वो एकमात्र लक्ष्य है भारत माता की जय। जहां जहां हमारी अपनी इन व्यवस्थाओं से भारत के पुरुषार्थ को, भारत के पराक्रम को, भारत की अच्छाइयों को, भारत के विकास पर एजेंडे को दुनिया के सामने ले जाकर के, ये उदात्त भाव से ले जाने का जो भाव है, इसी को तो राष्ट्रवादी भाव कहते हैं। उस राष्ट्रवादी भाव के लिए ही भाजपा काम कर रही है। भाजपा किसी के हराने जिताने के लिए काम नहीं कर रही। और जो भारत माता के इन कदमों पर विरोध करता है उससे हमारा अनबन होती। आप बताइए, जो फिलिस्तीन की जय कर रहा और आप उनको साथ बिठा रहो, जय फिलिस्तीन, इस भारत की लोकसभा में क्या बोलकर क्या संदेश देना चाहते हो? हम फिलिस्तीन को मान्यता पे भारत में मान्यता दी, लेकिन भारत माता की जय के साथ तो खड़ा नहीं कर सकते ना। धर्मों के आधार पर इस ढंग की बात तो नहीं कर सकते कि जब हिंदू हिंसक है। अरे, दुनिया का एकमात्र धर्म ऐसा है जो सहिष्णुता की मिसाल बनाता है। इसराइल से लगाकर के फारसी तक, जो पूर्ववर्ती ईरान का धर्म है, यहूदियों को अगर कहीं इस दुनिया में शरण मिली तो भारत में मिली, इसराइल को शरण मिली तो भारत में मिली। भारत एकमात्र ऐसी जगह है जो सबको लेके चलना चाहता है, सबके लिए जोड़ता है। आप उनको गाली दे रहे हो, कौन बर्दाश्त करेगा इसको? पिछले महीने जून में आपके पास, आपकी पुलिस के पास खुफिया जानकारी आई कि मध्य प्रदेश के एक हिस्से में फ्रिज में गौमांस रखा जा रहा है। लगभग कोई 11 परिवार थे जिन्होंने गौमांस की रिपोर्ट्स आई, खुफिया जानकारी थी। उसके बाद उसके ऊपर जांच की गई और पाया गया कि वहां पर मांस था। उसके बाद वहां पर बुलडोजर चले, उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी का उसके ऊपर प्रतिक्रिया आई, पूरे तिलमिलाए वो, जिसके ऊपर आपने फिर कहा कि ये मध्य प्रदेश है, ये हैदराबाद नहीं है। इस सारी चीज को आप कैसे देखते हैं, जहां पर यह कहा जा रहा है कि क्या इस तरीके की बुलडोजर न्याय की प्रक्रिया को किया जाना चाहिए? क्या सोचकर आपने ये किया? इसका थोड़ा अर्ध सत्य आया सामने। पूर्ण सत्य यह है कि ये बात सत्य है कि हम सबकी आस्था है गोमाता में। बहुसंख्यक समुदाय मानता है कि 33 करोड़ देवी देवता का वास गोमाता में है, और वो हमारी श्रद्धा का, आस्था का और हमारे अपनी इस कल्चर से जुड़ा हुआ एक बहुत गहरा पक्ष है जिसमें समान रूप से सबकी आस्था है। तो ऐसे में अगर कोई इन व्यवस्थाओं को जुड़ करके कानून व्यवस्था पे प्रश्न खड़ा करेगा तो सरकार हाथ पे हाथ धर के देखेगी तो नहीं? सरकार ऐसे तत्वों से निपटने में सक्षम है, इसलिए सरकार ने जो कठोर कार्रवाई शक्ति की है, सरकार ने बंदी बनाया है। अभी हमने कल कैबिनेट में कहा कि जहां गोवंश का परिवहन होगा उन वाहनों को राजसात करेंगे। अब इसमें कोई कहेगा कि आप तो किसी की गाड़ी राजसात करवा रहे हो, तो राजसात काहे के लिए हो रही है तो देखो आप। और कोई अपराधी और अवैध निर्माण करके बैठा है तो अवैध निर्माण पे जो विभाग की कार्रवाई होगी होगी, उसमें क्या हो गया? हमारे यहाँ ये परंपरा नहीं है कि कोई बड़ा आदमी हो गया, छोटा आदमी हो गया और अब अवैध काम करेगा तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये सरकार माननीय मोदी जी को आदर्श मान के चलने वाली सरकार है, इसलिए डर करके जीने से अच्छा है जिल्लत की जिंदगी से एक पल की आजादी के लिए जीना ज्यादा अच्छा है। इस मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज करने वाले नहीं, ये डरने का सवाल नहीं हो सकता। यादव जी, आपका बैकग्राउंड बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है। आरएसएस से आप जुड़े रहे हैं, एबीवीपी के साथ आप जुड़े रहे, डॉक्टर बनना आप चाहते थे, बीएससी आपने की, लॉ आपने किया, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आपने किया, पॉलिटिक्स में बाखूबी आप काम कर रहे हैं। तो
ये सारी चीजें, और ऐसा नहीं है कि आपका कोई बचपन बड़ा बड़े आराम से निकल गया, सारी चीजें आपको मिली हुई थी, वहां कई कठिनाइयां थी आपकी जो आपने जिनका सामना किया। थोड़ा सा अगर आप अपने बचपन के बारे में बताएं, और जैसा आज आप मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, आज हम नौकरियों की बात करते हैं, नीट परीक्षाओं की बात करते हैं, आप एक उसका उदाहरण है कि कैसे उन सब चुनौतियों के बावजूद आज आप मुख्यमंत्री हैं। कौन सी ऐसी खूबी आप अपने अंदर देखते हैं जिसने आपको इस मुकाम पर पहुंचाया? अगर आप ये युवाओं को जो नौकरियां ढूंढ रहे हैं, तलाश रहे हैं, अगर कुछ उनको कहना चाहें आप। देखिए, मैं पुरानी बात को तो अब नहीं दोहराता हूँ, मैं लगभग 7 माह से मुख्यमंत्री हूँ, 4 दिन बाद 8वां माह लग जाएगा, वो बातें तो पहले की आई गई सारी। और ये बात भी सही है कि मैं कोई बहुत बड़ा आदमी हूँ, बहुत विलक्षण व्यक्तित्व, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सामान्य जीवन जीते हुए बहुत सामान्य कार्यकर्ता हूँ। और ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हम में से ऐसे कई सारे लोगों को ये क्षमता है, उनको जिस दिन मौका मिलेगा वो ये सब काम करने लगेंगे। तो ये काल के प्रवाह में गंगा का प्रवाह बना रहता है, इसलिए गंगा पुजाती रहती है, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। हमारे जैसे कई आएंगे कई जाएंगे, लेकिन मूल भाव हमारा जो जिस जगह पे बैठे उसके प्रति पूरे समर्पित भाव से सबके हित के लिए, जिसको कहा जाए सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास सबका प्रयास, ये 4 वाक्य में पूरी दुनिया। आपने फिर भी वो बात नहीं बताई, मैं पूछना चाह रहा था, योगा डे पर आपने बड़ा कठिन योगा किया, आपने आप में कई सारी खूबियां हैं, मेरा प्रश्न फिर भी वही है कि हर कोई नहीं कर पाता जो आपने किया, तो आप अपने अंदर वो कौन सी कला या वो कौन सी ऐसी भावना देखते हैं जिससे आपको लगा कि हाँ वाकई ये चीज अगर और भी कोई करे तो वो भी बड़े मुकाम हासिल कर सकते हैं? मैंने आपसे विनम्रता के साथ कहा कि जैसा मैं हूँ ऐसे बहुत लोग हैं, बस फर्क इतना कि मेरे को आप इस चेयर पे बैठा देख रहे हो, मेरे पे लाइट पड़ रही है, मेरा डायरेक्ट प्रसारण दिख रहा हूँ, तो थोड़ा सा आपके भाव से वो अलग हटके है, लेकिन मैं इसको बहुत सामान्य बात मानता हूँ, बहुत छोटी बात मानता हूँ। मेहनत जरूरी, साथ में भाग्य का इंतजार, इतना ही पर्याप्त है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। मध्य प्रदेश की आखिरी 2-4 सवाल मैं आपसे फटाफट पूछ लूंगा क्योंकि समय भी हमारा खत्म होता जा रहा है, कि मध्य प्रदेश के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, देश का दूसरा सबसे बड़ा प्रांत है ये, जनसंख्या बहुत है, हरियाली बहुत है, जो ग्रीन कवर है वो इंडिया का सबसे ज्यादा अगर कहीं पर है तो वो मध्य प्रदेश में है, उसके बावजूद मध्य प्रदेश उस तरीके से आगे नहीं बढ़ पाया जिस तरीके से वो बढ़ सकता था। पिछले कई सालों से स्पीड आती जा रही है, रफ्तार पकड़ रहा है मध्य प्रदेश, लेकिन अगर हम बात करें कि इसको कैसे तराशोगे आप, एक हीरे की तरह अगर एक डायमंड स्टेट आप इसको कैसे बनाएंगे, तो आप क्या विजन लेकर चल रहे हैं कि आप क्या करेंगे अगले 4.5 सालों में? आपके सामने बताना चाहूंगा मध्य प्रदेश की अभी की भी स्थिति है, ग्रोथ रेट इसकी अगर आप देखो तो 25% से ज्यादा एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट है, इंडस्ट्रियल की ग्रोथ रेट देखो तो 24% के आसपास है, पर कैपिटा आमदनी देखो तो जहां हम 7,000 से शुरू करके आप 1,25,000 तक ले गए, इसी प्रकार से सभी क्षेत्रों में समान रूप से एविएशन के मामले में अभी लेटेस्ट रूप से आप देखो कोई राज्य ऐसा नहीं मध्य प्रदेश को छोड़ करके जिसकी अपनी एयर टैक्सी कनेक्टिविटी हो, जिसकी अपनी एयर एम्बुलेंस हो, जिसकी अपनी हेली सर्विसेज, अपने अंदर की इंटरस्टेट अपने धार्मिक स्थलों से लगाकर बाकी क्षेत्रों में हम लेके जा रहे हैं। इसी प्रकार से साइंस सिटी का, या मैंने आपको बताया कि हमारी अपनी जो ऐतिहासिक धरोहर है उनके मामले को लेकर के, लेकिन ये बात सत्य है कि जहां हम आए हैं वहां से आगे जाने के टारगेट रखे, तो हमारी सरकार बनने के बाद हमने तय किया है कि लगभग हम 3.5 लाख करोड़ के बजट से स्टार्ट हुए हैं, तो 5 साल बाद में चरणबद्ध रूप से 7 लाख करोड़ से ऊपर जाने वाले हैं। हमारी अपनी देश की जो कुल ग्रोथ है उस ग्रोथ में हमारा परसेंटेज डबल स्तर में जाने वाला है, तो ये बड़े टारगेट हमने लिए हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि हम चरणबद्ध रूप से समान दृष्टि से आगे बढ़ते हुए इस टारगेट को हासिल करेंगे।